शांति चार नौ के ईश्वरीय महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अभी इस दुनिया का होपलेस केस है, सभी मर जाएंगे, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ, मामेकम याद करो। आज का प्रश्न है, सर्विस की उछल ना आने का कारण क्या है? जवाब, अगर लक्षण ठीक नहीं, बाबा को याद नहीं करते तो सर्विस की उछल आ नहीं सकती। कोई ना कोई उल्टे कर्म होते रहते हैं, इसलिए सर्विस कर नहीं सकते। बाबा का जो पहला डायरेक्शन है, आप मुए मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते, बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है, तो सर्विस कर नहीं सकते। आज का गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। आज के मेन पॉइंट्स हैं, हमने बाबा को पहचान लिया कि शिव बाबा आया हुआ है, तो खुशी का कोई पारावार नहीं रहा, तो बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बस कहता हूँ मुझे याद करो, हम बाप के बने हैं ये कभी भूलो नहीं। तुम बच्चे जबकि जानते हो हमने शिव बाबा को पाया है, तो तुम बच्चों को खुश रहना चाहिए, लेकिन माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बल लिखते भी हैं, हमको निश्चय है, फिर भी चलते चलते ठंडे पड़ जाते हैं। 6-8 मास 2-3 वर्ष आते ही नहीं, तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। अगर निश्चय हो जाए तो खुशी में रहें। बाबा कहते, देखो तुम बच्चे यहाँ आए हो, मैं तुम बच्चों को स्वर्ग में राजा बनाता हूँ, वारिस बने हो, तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे मेरे बन करके सदा खुश रहो। बाबा ने कहा, बच्चे अब आसुरी मत पर चल करके धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, अब बाबा आकर के फिर से राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते, जिस तरफ साक्षात भगवान है उनकी तो विजय हुई पड़ी है, लेकिन तुम बच्चे भूल जाते हो क्योंकि तुम्हारी माया से युद्ध है। बाबा कितनी बातें बैठ समझाते हैं, परंतु तमो प्रधान बुद्धि है तो शिव बाबा की याद ठहरती नहीं, इसलिए कोई उल्टा सुल्टा काम कर देते हैं, लक्षण सुधरते ही नहीं हैं। बाबा कहता, बच्चे मुझे आकर सबको रास्ता बताना है, बाकी इसमें कृपा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। कई कहते, बाबा आपकी कृपा होगी तो हम आपको कभी भूलेंगे नहीं। बाबा कहता, हम कभी कृपा आदि तो करता नहीं, टीचर कोई पर कृपा थोड़ी करेगा, उसका काम तो पढ़ाना है। तो बाबा भी श्रीमत देते हैं, हम बच्चों को तो श्रीमत पर चलना है, बच्चों को बिल्कुल पुण्य आत्मा बनना है, जरा भी कोई पाप ना हो। कई बच्चे अपना पाप बताएंगे नहीं, बाप भी कहते ऊंच पद कभी पाएंगे नहीं, गाया हुआ चढ़े तो चाखे अमृत रस, गिरे तो चकनाचूर, अशुद्ध अहंकार पहला नंबर, फिर काम क्रोध लोभ मोह ये कम नहीं है। बाबा कहते, इन्होंने ही सत्यानाश की है, इसलिए बाबा कहते, बच्चे अब मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार, जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना, कभी कोई चीज़ छिपाकर नहीं लेनी, लोभ मोह से सावधान रहना है, अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करने वाला है उसे त्याग देना है, एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना पड़े, यही पुरुषार्थी जीवन है। आज का वरदान, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते, इसलिए चेक करो मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, अपनी देह भी याद आई तो देह के साथ देह के संबंध पदार्थ दुनिया सब एक के पीछे एक आ जाएंगे। मैं निर्बंधन हूँ, इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। आज का स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। स्वमान
मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। ओम शांति।